हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि आईटीआई लेवल का है और प्लांट असिस्टेंट पोस्ट है। इसमें केवल आईटी लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये कंपनी मध्य प्रदेश में पावर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसी का है, मतलब मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। इसमें जो पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट, 100 पोस्ट है। अब आगे बताऊंगा कौन कौन से पोस्ट किस में है और इसमें जो ट्राई पोस्ट करेंगे, जो अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए, वो असिस्टेंट आईटीआई ट्रेनी कहलाएंगे। और इसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा वो मध्य प्रदेश के लड़कों के लिए है, एससी एसटी ओबीसी वाले। इसमें आपको जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको मिलेगी। और जो आदिवासी क्षेत्र है, जैसे मंडाला, डुंडेरी, सुहाल और बींद, ग्वालियर, मुरैना, ये सब जगह पर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्कीम पे, यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी वाले ट्राइबल, उन लोगों को अलग से रिजर्वेशन है। और इसमें बात करें कि क्वालिफिकेशन की क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट, फुल टाइम आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट, जैसे मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक, पंप मैकेनिक, व्हीकल्स वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सब पोस्ट हैं। और 60% आपको आईटी में होना चाहिए। दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसको पूरा फुल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन वहां से आपको मिल जाएगा। और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेड फॉर्म अपग्रेड आईटीआई अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई स्कीम एट नर्मदा नागर सोधर। और इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। और वहाँ के जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को 45 साल है मैक्सिमम, जो एस सी एस टी से उनको भी 45 है, ऐसे जनरल 18 है और मैक्सिमम एज 40 है जनरल के लिए। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 9 मंथ का होगा, 9 महीने तक ट्रेनिंग चलेगा आपका। और स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 5,200 मिलेगा 9 महीने तक। इसके बाद आपका पे स्केल 25,300 से लेके 80,500 का होगा। जो एंट्री बेसिक पे है वो 25,300 रहे और जो इसका लेवल है 6 लेवल का आपका पेमेंट रहेगा। इसमें सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो बॉन्ड है आपका, तो द प्लांट असिस्टेंट आईटीआई शैल हैव टू एग्जीक्यूट सर्विंग एग्रीमेंट कम सैलरी बॉन्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट प्रिसाइप ट्रेनिंग। 9 मंथ का ट्रेनिंग आप सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं तो आपका मिनिमम 2 साल का बॉन्ड धारना पड़ेगा और 50,000 रुपये का बॉन्ड एग्रीमेंट होगा। जनरल कंडीशन है कि ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, आप भारत के नागरिक हो और नंबर ऑफ पोस्ट सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर रिक्रूटमेंट MPCIL, जो MPPGCL है उसके अनुसार कम बेसी हो सकता है पोस्ट। कैंडिडेट कैन अप्लाई अंगेस्ट 1 ट्रेड ओनली, आप एक आदमी एक ही ट्रेड में अप्लाई करेगा, 2-3 ट्रेड में नहीं कर सकते हैं आप। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपेयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन बट रिजल्ट आर अवेटेड कैन ऑल्सो अप्लाई, और जो अपेयरिंग में कैंडिडेट है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सुनहरा मौका है, अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और कैंडिडेट वर्किंग इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और इस सब में, तो आपको NOS लेना होगा कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये टर्म और कंडीशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन को, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और ये सारे टर्म और कंडीशन जो एससी एसटी ओबीसी दिख रहा है सब एमपी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होगा, जो वहाँ के जो वहाँ के रेसिडेंशियल है, जो वहाँ रहते हैं उनके लिए है ये सब। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें आपको द टेस्ट टेक होगा, जो
ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है या ऑफलाइन, और ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपको इसमें पेमेंट भी करना होगा, फॉर्म वहीं से भरा जाएगा। अब क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेट बिलोंग टू अन रिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी शैल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 50 मार्क्स, 50% मार्क्स लाना है जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 40% है। और बोल रहा है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन केस टू और मोर कैंडिडेट ऑब्टेन सेम मार्क्स, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ शैल बी कंसिडर। जिसका डेट ऑफ कोई दो कैंडिडेट का अगर एक साथ सेम नंबर रह जाता है उसमें जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो 13/6/2018 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना और 12/7/2018 को लास्ट डेट है। इस दिन आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो 12 जुलाई से पहले इसको अप्लाई कर देना है और 13 तारीख से शुरू होने वाला है अपलोडिंग। जो मॉक टेस्ट होगा वो 22/7 से शुरू होगा, मॉक टेस्ट उसमें दे सकते हैं आप। और जो एडमिट कार्ड इश्यू होगा 25/7 से होगा, 25 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो आंसर की होगा 3 दिन के अंदर में आंसर की भी दे देगा, तो बहुत जल्दी होने वाला है। इसके लिए आप तैयारी कीजिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसके वेबसाइट पर जाना है www.mponline। ये mponline की वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आपको फॉर्म भरना है। लेकिन ये वेबसाइट तभी ओपन होगा जब 13 तारीख को शुरू हो जाएगा, और नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा www.mppgcl.mp.gov.in। इस पर आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, इस पर सॉरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस पर आपका फॉर्म भरना है। और ये क्या क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, फुल टाइम ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन मशीनिस्ट फिटर वेल्डर HP वेल्डर मैकेनिक पंप मैकेनिक व्हीकल्स इलेक्ट्रीशियन वायरमैन मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई GOMP GOAI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ जो सिग्नेचर का सही होना चाहिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैसिलिटी, ये सब चीज़ होना चाहिए आपको इसमें। और जो एप्लीकेशन फ़ी है 600 रुपया, और OBC के लिए और जनरल के लिए 1000 है, SC ST के लिए 600 रुपया है। MP ऑनलाइन के माध्यम से इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिससे ये फॉर्म अप्लाई कर सकें। और बेल और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।